दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखें और मेरे चैनल पे इसी तरह रौनक लगाते रहें, कायम दायम रहें। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे वज़ाइफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप लोग लाइक भी करने लग पड़े हैं। तो मुझे ये होता है कि लाइक करने से मेरे दिल को सुकून होता है कि चलो मेरी वीडियोस जो उनसे आप लोगों को पसंद आ रही है। तो आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ औरतों के लिए है, यानी कि उन औरतों या उन बहनों के लिए है, उन मेरी माओं बहनों और बेटियों के लिए है जिनके इखलाक का थोड़ा सा मसला होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, एक लड़की मेरे पास आई कहने लगी आपी के नाम मेरे वालदैन फोत हो चुके हैं, तो सऊदी अरब गए थे तो वहां पर उनकी जो वफात हो गई, तो मेरे जो भाभी हैं, मैं भाई और भाभी के साथ रहती हूँ, भाई भी बाहर हैं और भाभी मेरे साथ रहती हैं, ठीक है, तो लेकिन मेरी मेरी भाभी से बनती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही थी ना, तो मैंने उसको फौरन कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारी क्यों नहीं किसी से बनती, तुम्हारे इखलाक में फर्क है, तुम अपना पहले इखलाक बेहतर करो, अपने इखलाक को जो है ना उसको तरबियत दो। यकीन माने उसने सिर्फ और सिर्फ एक महीना जिस तरह मैंने उसको समझाया उस तरह किया, और वो आई के सिलसिले से थी कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, मंगनी हो चुकी थी लेकिन उसके जो भाई थे वो शादी नहीं उसकी कर रहे थे। किस वजह से शादी नहीं कर रहे थे कि वहां पर कोई उनका मसला था या सऊदी अरब में, तो वो कह रहे थे वो हल होगा, तो वो एक साल हो गया था कहती थी अभी ये मसला इनका हल ही नहीं हो रहा। तो इस तरह वो बच्ची मेरे पास आई थी, तो मैंने सिर्फ उसको कहा बच्चे पहले अपना इखलाक ठीक करो, आपका इखलाक जरा भी नहीं अच्छा, लेकिन उसने इस बात को बुरा नहीं बनाया बल्कि उसने कहा कि ठीक है अभी आप मुझे बताएं मैं किस तरह करूं, वाकई मैं चिड़ी हो चुकी हूँ या मुझे गुस्सा आता है, या मैंने उसको बताया कि ये दुआ पढ़ो, तो फिर उसने वो दुआ पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक महीने के अंदर उसका इखलाक इतना कि जब यकीन माने और जो मैंने उसको अमल बताया शादी का, उसकी वो शादी उसी महीने उस महीने में उसकी तारीख रखी गई और 3 महीनों के अंदर अंदर उसकी शादी कर दी गई। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मेरे थोड़ा समझाने से तो उसका इखलाक ठीक हुआ और मेरे अमल बताने से, पढ़ाई बताने से उसकी शादी भी हो गई। तो मैंने उसको दुआ अल्लाहुम्मा से लेकर अंत तक मैंने बताई और मुकम्मल दुआ जो है स्क्रीन पर चला दी जाएगी, लंबी है थोड़ी सी, तो फिर इस तरह फिर आप लोगों को टाइम ज्यादा, अगर मैं दुआ बताऊंगी तर्जमा बताऊंगी फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो स्क्रीन के ऊपर चला दी, स्क्रीन के ऊपर इसलिए चला दी है कि ताकि तर्जमा मैं बता देती हूँ और आप उतार लोगे, ठीक है। तो आपने दुआ किया है, दुआ का तर्जमा है ए अल्लाह मुझे अच्छे इखलाक नसीब फरमा और अच्छे अमाल अच्छी बातों का ढंग अता फरमा, बेशक आपके सिवा भलाई कोई नहीं दे सकता, आपके सिवा जो है भलाई कोई नहीं दे सकता, बुरे इखलाक मुझसे दूर कर दे, बेशक आपके सिवा कोई बुरे इखलाक को दूर नहीं कर सकता। ये दुआ तिर्मिजी की भी है, सन्ने तिर्मिजी एक जामिया किताब है उसमें भी है, 79 से 80 के दरमियान ये दुआ है, आप ये जरूर देखिएगा। तो अगर आपको स्क्रीन पर समझ नहीं आ रही तो वहां से भी आप तिर्मिजी से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं कहती हूँ आप एक दफा करें, यकीन माने कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, और आगे जो मैं आपको वजाइफ बताऊंगी तो उससे ये होगा कि अगर मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहती कि आपको अगर खुदा खासा अगर कोई ऐसा वक्त आ जाता है, कहना तो नहीं मुझे चाहिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या आपका कोई तल्लक है या कोई ऐसा मसला है, तो मेरी कमेंट्स बॉक्स में बहुत सी बच्चियां आती हैं, वो कहती हैं अभी हमारी शादी के लिए दुआ करें, अभी मैं मुझे किसी से प्यार है। मैं खुली बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है या ऐसा मरहला है कि इसको समझाना पड़ता है। तो बहुत सी कमेंट्स बॉक्स में बच्चियां मुझसे आकर कहती हैं कि अभी हमें बताएं, हमारे लिए दुआ करें, और हमारी जिससे हम प्यार करते हैं तो उससे, देखो मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, बस तरीका थोड़ा सा रद्दो बदल कर लो कि एक तो आप अल्लाह माफी दे तौबा नौज़बिल्लाह, अपनी इज्जतों का ख्याल रखो, नाजायज शरीयत के खिलाफ कोई काम ना करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, ये मेरा वादा है, लेकिन नाजायज तरीके का इख्तियार करना और शरीयत को तकलीफ देना या इस किस्म का कोई भी हरबा इस्तेमाल करना, ये चीजें ठीक नहीं है। शादी हो जाती है
उस तरह भी हो जाती है, उस तरह भी हो जाती है। लेकिन असल में बता क्या बात है, वालदैन अक्सर दफा सोचते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी उनके भी किए हुए फैसले गलत हो जाते हैं, क्योंकि गुजारा दो दिलों ने करना होता है, मियां बीवी ने करना होता है, माँ बाप ने नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन कभी खराब कौन करता है शादी, अगर कोई प्यार की शादी करता है, प्यार की शादी खराब नहीं होती, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना वो प्यार की शादी को खराब करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर वालदैन या हमारे घर के बड़े इस बात को समझ जाएं और इस बात को, इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करें कि हम अपनी औलाद के लिए हम इतनी कुर्बानी दे सकते हैं, तो यकीन मानिए किसी की शादी खराब नहीं होती। शादी तब खराब होती है जब बड़े खराब करते हैं, फिर छोटे भी थोड़ा सा करते हैं, फिर मिक्स से एक हलवा बनता है और वो बड़ा गर्व होता है, ठीक है। इसलिए जो तरीके मैं आपको बताऊंगी ना वो इख्तियार करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी। इसी के साथ ज्यादा चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी बातें बुरी लगती हूँ तो माफी चाहती हूँ, अगर अच्छी लगती हूँ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।